आगे बढ़ेंगे। प्रकृति की सभी रचनाएं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष एक दूसरे पर निर्भर हैं और उनमें हमारे साथ साथ नन्ही गौरैया भी शामिल है। घर हमारे बड़े बड़े हो गए हैं पर दिल इतने छोटे कि हमें नन्ही सी गौरैया भी एक नहीं आ पा रही है। घर घर की चिड़िया गौरैया आज अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रही है। कभी हमारे जीवन का हिस्सा रही गौरैया को अधिक से अधिक संरक्षित करने का संदेश देने के लिए सुरभि कल्चरल ग्रुप और पिंक पावर लेडीज क्लब द्वारा गौरैया के संग रंगोत्सव के रंग का आयोजन राजाजीपुरम में किया गया, जिसमें बच्चों द्वारा कबाड़ के सामान दफ्ती बोतल डिब्बे पुरानी छन्नी सुतली थर्माकोल आदि से बनाए गए गौरैया के घरौंदों के साथ मिट्टी के बर्तन का वितरण किया गया। अच्छे से संजोए गौरैया अभियान के तहत ऑनलाइन बच्चों ने घरौंदा बनाकर और उनकी फोटो भेजकर बढ़ चढ़कर इस अभियान में हिस्सा लिया। अभियान संयोजक शैलेंद्र सक्सेना रुचि अरोड़ा ने लोगों को घर की छतों और आंगन में पानी और अनाज के दाने रखने का आग्रह किया। इसी के साथ ही होली के अवसर पर जरूरतमंद बच्चों को फल बिस्किट स्वीट्स स्टेशनरी का सामान भी विक्रम नगर में वितरण किया गया। मानक नगर में इस अवसर पर अलका सक्सेना महामंत्री व्यापार मंडल केसरी खेड़ा वार्ड व मंजुला रानी सहायक अध्यापिका और किरण रानी सहायक अध्यापिका विनीता भारती प्रधानाचार्य मोहिनी मिश्रा युवा रचनाकार तनु कुमारी एनसीसी कैडेट महक अरोड़ा मुस्कान अरोड़ा शिवानी सहित कई लोग उपस्थित रहे और शैलेंद्र सक्सेना की इस मुहिम की काफी सराहना भी की। कल्चरल ग्रुप की इस मुहिम की हर तरफ सराहना हो रही है, जिसके संयोजक शैलेंद्र सक्सेना है।